हेलो एवरीवन, आज हम 18 टू 20 इलस्ट्रेशन करेंगे। इन इलस्ट्रेशन में डिफरेंस क्या है कि जैसे क्वेश्चन में अभी तक हमें बैलेंस शीट गिवन थी, बट इन क्वेश्चंस में बैलेंस शीट गिवन नहीं है। तो सबसे पहले बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी और उसके बाद सिमिलरली जैसे बैलेंस शीट बनाने के बाद रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट या कैश अकाउंट, पार्टनर्स लोन अकाउंट, उसके बाद वो बनाएंगे। बैलेंस शीट बनाने के लिए कुछ नहीं, सारी इन्फॉर्मेशन गिवन होगी। अगर कोई मिसिंग होगी तो वो बैलेंसिंग फिगर से आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, ब्रह्मा विष्णु एंड महेश आर इन अ पार्टनरशिप शेयरिंग 3:3:4। दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व द पार्टनरशिप फर्म। एट द डेट ऑफ डिसॉल्यूशन देयर क्रेडिटर्स अमाउंटेड टू 16,000 रुपीज। क्रेडिटर 16,000 रुपीज के हैं एंड इन कोर्स ऑफ डिसॉल्यूशन अ कंटिंजेंट लाइबिलिटी ऑफ 2,650 नॉट ब्रॉट इन टू द अकाउंट मैच्योर्ड एंड हैड टू बी मेट। इस लाइन का मीनिंग है, जब डिसॉल्यूशन किया तब एक कंटिंजेंट लाइबिलिटी, कंटिंजेंट लाइबिलिटी मतलब अचानक से एक लाइबिलिटी आ गई जो पहले नहीं थी, यानी कि जिन्हें हमने अकाउंट्स में शो नहीं कर रखा था। Not brought into the accounts, तो जिन्हें accounts में show नहीं कर रखा था उन्हें balance sheet में show नहीं किया जाएगा। And had to be met, और अब pay करनी पड़ गई, तो इसे बोल सकते हैं एक unrecorded liability जिसकी payment करनी पड़ गई, तो वो realization का part बनेगा। Next is their capital stood at 12,000, 10,000 and 8,000 respectively। यहाँ पर capital भी given है। Vishnu had lent to the firm, विष्णु ने फर्म को लोन दे रखा है इन एडिशन टू कैपिटल, अपने कैपिटल के अलावा, दैट इज 14,000 रुपीज़। विष्णु ने 14,000 रुपीज़ का लोन भी दे रखा है, तो विष्णु का लोन जो है एक फर्म के लिए लायबिलिटी हो गई, इसलिए लायबिलिटी साइड जाएगी। द एसेट रियलाइज्ड, इस लाइन को ध्यान से देखो, एसेट्स रियलाइज्ड, ये रियलाइज्ड वैल्यू है, बुक वैल्यू नहीं है। बुक वैल्यू कहाँ से मिलेगी? बैलेंस शीट से। दैट इज़ वाई फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू प्रिपेयर अ बैलेंस शीट। इसलिए जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वो बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करेंगे। सबसे पहले क्रेडिटर्स गिवन थे 16,000 के, वी नो क्रेडिटर्स क्या होते हैं, लाइबिलिटी। आफ्टर दैट ये तो पे की है बट बुक ऑफ अकाउंट्स में शो नहीं की गई, इसलिए बैलेंस शीट में शो नहीं करेंगे। कैपिटल है 12,000, 10,000, 8,000 एंड विष्णु ने लोन दे रखा है। सो विष्णुज लोन 14,000 इन एडिशन टू हिज कैपिटल, और जो कैपिटल गिवन है वो है एक ही, सॉरी ब्रह्मा विष्णु एंड महेश, देयर कैपिटल्स आर 12,000, 10,000 एंड 8,000, 12,000, 10,000 एंड 8,000, 30,000। तो एसेट्स कैसे निकलेंगी अब इनका टोटल करके, 16 और 14, 30 और 30, 60,000। तो एसेट्स कितने की हुई, सन्ड्री एसेट्स, हमें पता नहीं कौन कौन सी एसेट्स हैं, अमाउंट आएगा यहाँ, तो सन्ड्री एसेट्स कितने की, 60,000। क्योंकि ये फिगर क्वेश्चन में गिवन नहीं थी, हमने खुद निकाली, इसलिए क्या मेंशन करेंगे, बैलेंसिंग फिगर। तो इस तरीके से बैलेंस शीट बनानी है। फ़ायदा क्या है, क्योंकि सबसे पहले रियलाइजेशन में सारी एसेट्स ट्रांसफ़र होगी, फिर सारी लाइबिलिटीज ट्रांसफ़र होगी। विष्णु का लोन है तो पार्टनर के लोन में जाएगा, ये कैपिटल के बैलेंस में जाएगा। सो दिस इज़ हाउ यू हैव टू प्रिपेयर बैलेंस शीट। एंड बैलेंस शीट बनाने के बाद क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर तरीके से करेंगे, बिल्कुल जैसे रियलाइजेशन अकाउंट, बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसे करते रहे। तो बहुत ही ईजिएस्ट क्वेश्चन था, सिर्फ बैलेंस शीट बनाने की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए बी सी वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 4:3:3। ऑन 1 अप्रैल 2015 दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व द फर्म। ऑन दैट डेट एज कैपिटल वॉज 1,25,000, B's capital 45,000 and C's capital 15,000 and bracket में mention है debit, मतलब ये negative figure है। तो asset side show करेंगे। The creditors amounted to 23,150, cash in hand was 3,920 and the asset realized
1,44,910 rupees and the expenses of dissolution were 1,860 rupees. You have to prepare realization account and show your working clearly. Now in this question, बाकी की asset की realized value तो given है, but ये इनकी assets की book value क्या थी, ये again missing है. जब question में balance sheet given ना हो, तो first of all we have to prepare balance sheet. In this liability side creditor और A और B की capital आएगी, क्योंकि C की capital debit थी, इसलिए इसे assets side show करेंगे. And cash in hand तो asset होते, इसलिए debit side. This is how we can find the book value of assets. And after finding this value, the further question is very similar. पहले assets की book value को transfer किया, cash in hand cash वाले account में जाता है, ये capital में जाता है, because इस question में बनाना नहीं है, सिर्फ realization बनाने को कहा है, तो इसे mention नहीं करेंगे. Creditors यहाँ transfer हो जाएंगे, assets से जो value realize हुई वो यहाँ आएगी, credit side पर आएगी, और क्रेडिटर्स को जो पे की है वो डेबिट साइड आएगा. एक्सपेंसेस रियलाइजेशन के हुए वो डेबिट साइड होंगे. दिस इज हाउ यू विल कंप्लीट द क्वेश्चन. क्योंकि क्वेश्चन में कैश इन हैंड था, इसलिए सारी ट्रांजैक्शन कैश में किए. अगर ये कैश एट बैंक होता तो सारी ट्रांजैक्शन बैंक में करते. अगर दोनों होते हैं हैंड और बैंक, तो प्रेफरेंस बैंक को दी जाती है. ओके, लेट्स लुक एट द अदर क्वेश्चन. इन दिस इलस्ट्रेशन ए एंड बी who was sharing profit and loss in the ratio of 60% and 40%, that is 3:2, decided to dissolve the firm on 31st March 2015, on which date some of the balances were as follow. A की capital given है, B की capital debit है, profit and loss का debit balance, it means asset side show होगा, trade creditors है, loan from Mrs. A, Mrs. A से loan लिया हुआ है, ये outside liability है, क्योंकि Mr. A नहीं, मिसिज ए है, ए की वाइफ, सो दैट इज़ वाई मिसिज ए का लोन लाइबिलिटी साइड शो होगा एज आउटसाइड लाइबिलिटी. कैश एट बैंक एसेट साइड होगा. द एसेट्स अदर देन कैश एट बैंक रियलाइज 1,90,000 एंड ऑल क्रेडिटर्स वर पेड ऑफ लेस 5% डिस्काउंट. रियलाइजेशन एक्सपेंसिस अमाउंटेड टू 4,000 रुपीज. ये भी बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है. इसमें भी बस आपको बैलेंस शीट ही बनानी है. लेट मी शो यू हाउ यू विल प्रिपेयर इट. एज कैपिटल पॉजिटिव बैलेंस, तो कैपिटल यूजुअली नीचे दिखाई जाती है. याद है ना जब हमने चैप्टर किया था फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वहाँ सीखा था किस तरीके से बैलेंस शीट को प्रिपेयर किया जाता है. ए की 2,40,000, बी की डेबिट साइड है तो बी की कैपिटल इधर आ जाएगी. बी कैपिटल कितनी है, 25,000. उसके बाद पी एंड एल का नेगेटिव बैलेंस है. पी एंड एल बैलेंस कितना है, 30,000 रुपीस. ट्रेड क्रेडिटर्स 40,000 रुपीस. ट्रेड क्रेडिटर्स 40,000. लोन फ्रॉम मिसेज ए, लोन फ्रॉम मिसिस ए कितना है, 20,000. और ए की टोटल 2,40,000 कैपिटल है. कैश एट बैंक 15,000. कैश एट बैंक 15,000. एंड क्या मिसिंग है, अगेन एसेट्स, जो क्या होगी, बैलेंसिंग फिगर. ठीक है, और उसके बाद जैसे बाकी क्वेश्चंस में करते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट प्रिपेयर करना है एंड कैपिटल अकाउंट. कैपिटल अकाउंट बनेगा एंड बैंक अकाउंट बनेगा. बैंक अकाउंट का बैलेंस मैच हो गया तो मतलब क्वेश्चन ठीक ही है. सो दैट्स इट फॉर टुडे. काफ़ी इजी क्वेश्चंस है ये. इन अ होमवर्क आपको 20 तक क्वेश्चंस ट्राई करने हैं. होप यू अंडरस्टैंड टुडेज लेक्चर. थैंक यू.